बस उसी आई है ये चलो चलो थोड़ा बड़ा है, तब ना कुछ आप जितने भी शिव मंदिर गए होंगे शिव जी के सामने सवारी काय का देखते हैं, नंदी जी का ही देखते हैं ना, उज्जैन के प्राचीन मंदिर में आपको भेड़ की सवारी देखने को मिलेगी, मेंढा जी का दूसरा नाम भेड़। ये कारण है महामंगल भगवान जो है वो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी कहलाते हैं, नौ ग्रहों के सेनापति है। इस मंदिर की सबसे मुख्य विशेषता ये है, ये जो मंदिर बना हुआ है पूरे भारत के नाभि स्थल पर बना है, यही वो मंदिर है जिसके नीचे से कर्क रेखा निकली है, कर्क रेखा यहाँ से होती है महाकाल मंदिर को जाती है, महाकाल मंदिर से सोमनाथ मंदिर, जिस प्रकार से शनि मंदिर में काला वस्त्र रोहा तेल की चढ़ाते हैं, मंगल भगवान को लाल चीजों का दान होता है और यह दान इसलिए चढ़ाते हैं आने वाले समय में अपने घर परिवार को कभी मंगल की बाधाएं ना आए, मंगल कार्य बना रहे। दान में चढ़ता है लाल कपड़ा, उसके अंदर बंधा हुआ है गेहूँ, मसूर की दाल, एक मूंगा जो अंगूठी में पहनते हैं, नारियल और फूल आपका नाम और आपका गोत्र बोल के चढ़ाया जाता है। गोत्र इसलिए कहा जाता है जो लोग घर परिवार से नहीं आ पाते उनका भी दान लगता है। पांच सामग्री आपको रिटर्न घर के लिए मिलती है। दो प्रकार का प्रसाद है, संपूर्ण श्रृंगार लेते हैं, 151 का आता है सिर्फ, छोटा 101 का भी है, आपको जैसा उचित लगे चढ़ा सकते हैं। पांच चीजें मिलेगी आपको, बताता हूँ आपको, मंगल का यंत्र रिटर्न में मिलेगा, मंगल की तस्वीर, माला, प्रसाद और हाथ में बांधने का कलावा पंडित जी स्वयं दे देंगे और ऊपर किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। आपकी श्रद्धा हो 10-20 रुपये रख के आप चढ़ा सकते हो। उज्जैन नगरी में तीन जगह चढ़ाना, पहला महाकाल जिनको दूध जल, जिनके सेनापति काल भैरव को मंदिर और मंगल भगवान, तीन मंदिर से चढ़ाने से आपको उज्जैन की यात्रा पूर्ण मंगल में चलाती है। बाकी सारे हाथ जोड़ने के स्थान है, बाकी तो उज्जैन में अच्छे मंदिर है, आप एक चावल का बोरा लेकर आपको 10-10 जगह पैसे का भी फोटो नहीं खींच रही, खाली वीडियो बना रही हूं, बंद कर गई फोटो खींच, मोबाइल बैटरी लो होने वाली है, वीडियो मत बनाओ, नहीं वीडियो ही तो मुझे बनानी है, बहुत तक याद कर कौन ऐसे ऐसे सिर मारेगी सुन, चलो आ इधर आओ, अगर
रिद्धि सिद्धि मंदिर है जहाँ पे मत्था टेक चुके हैं। ये हर एक मंदिर में हम लोग जा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी वीडियो जितना हो पा रहा है वो मैं बना रही हूँ। अब हम लोग आ गए हैं थर्ड की फोर्थ मंदिर, मुझे याद नहीं है, काल भैरव मंदिर। और देख सकते हैं धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और सबकी हालत ख़राब है, लेकिन खैर इतनी दूर आ नहीं होता इसलिए मत देख के ही जाएंगे। सो आपको भी दिखाते हैं यहाँ का व्यू। हाँ, काल भैरव मंदिर चलो मसी चलो आने वाले लोग के भी बनना है मना मंदिर में, जो कि कोई भैरवी गुफा है। बहुत अलग प्राण है यहाँ का, आपको दिखा दे मुझे, देखिए क्या कर रहे हैं सब। हाँ आप सब जा रहे हैं, एकदम हालत खराब। ये क्या किधर जा है? ऐसी भी हाल लगा देखो किसका जा।
क्या है चलो दे चलो ठीक है।